40 रन 4 विकेट एओसी का स्कोर टॉस जीतने के बाद क्वालिफायर वन में। विनायक पवार आ रहे हैं नए बैट्समैन अब अमोल शेलार की जगह पर। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है इस समय एओसी को। स्टार्ट अच्छा है, 8 रन प्रति ओवर रन बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा रन रेट कहलाएगा, मेंटेन करना होगा इसे। देखिए ओवर समाप्त हो गया है और स्ट्राइक समाधान पाटिल के पास होनी चाहिए। ओवर चेंज हो गया है, यस सर। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है एओसी की ओर से छठे ओवर में। अब आकाश वाघ को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। केवल 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रह सकते हैं अब बैटिंग पावर प्ले में। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट, ये 3 खिलाड़ी इस समय बाउंड्री लाइन पर हैं। आकाश वाघ महेंद्र को इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। आकाश वाघ ओ बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 बाउंस लगता है, यस। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। समाधान पाटिल 44, लॉस ऑफ 4, 5.1। समाधान पाटिल बखूबी जानते हैं कि पावर प्ले का फायदा किस प्रकार से उठाया जा सकता है। आकाश वाघ अगली गेंद के साथ फिर एक बार समाधान पाटिल के लिए। उछाल कर खेला गेंद को, देखना है एक्स्ट्रा कवर की ओर।
हेलो हेलो और 22 का इशारा फायर की ओर से, एक रन कंप्लीट किया गया, 76 रन बनाए हैं एओसी ने टॉस जीतने के बाद क्वालिफायर वन के इस मुकाबले में। 77 रन का लक्ष्य फायरबोल्ट के सामने होगा 48 गेंदों में। सर इकडे आन सर। सांगितल्याशिवाय कॅमेरा बदलू नका, बदलायचं का? बदला 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 सर, बदला बदलून काय शॉर्ट आहे। पण आता पॉवरचा इश्यू ऐका ना, त्याला जर डायरेक्ट काय ही पॉवर दिली तर चालेल। मिस्टर ललित राका, मिस्टर अमित पगारे आणि मिस्टर महेश देशमुख मोबाईलच्या चार्जर मध्ये चालेल ना? हा मग तर शुअर बघा, नाही तर जायचं जळू मी देतो नवीन। चला काय झालं, फायनल नाही आता, आम्ही सगळे कम्प्युटर वाले येते, सांगतो तू कपड्यावर ठेवशील ना, जास्त गरम होईल। ते नाही व त्याच्याबद्दल नाही काय सांगत आहे सर, याच्याबद्दल विचार
अमितच्या बॅटिंग मधून हा दुसऱ्या बॉल वरती एक चौका मिळालेला आहे फायरबॉल्टला. चला येदा राव लागेल. विशाल बॉलिंग करतोय. वेळ मिळाल तर त्याला उचलून बाहेर घेऊन जा. मनोज बोरा चांगलेच सेट झालेले दिसतात आहेत लगेच चार बॉलमध्येच. चौथ्या बॉलला पण एक चौकार मिळालेला आहे फायरबॉल्टला. कॅन CPL 2023 कम्प्युटर असोसिएशन ऑफ नाशिकने आयोजित केलेल्या या स्पोर्ट्स इव्हेंटमध्ये सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक स्वागत. पहिल्या ओव्हर मध्ये 21 रन. पुढचा बॉलर अजिंक्य खापरे. AOC कडनं आमच्या बरोबर इथे आम्हाला हेल्प करण्यासाठी आहेत संतनुजी. थँक्यू संतनुजी. मनोज बोरा एक चांगलेच बॅट्समन इथे दिसत आहेत. त्यांच्या ह्याच्यातून परत पहिल्याच बॉलात चौका. अंपायरचा इशारा 6. किती बॉल झाले? येणाऱ्या 40 बॉलामध्ये 46 रन करायचे आहेत फायरबोटला. पुढचा बॉल अजिंक्य. दीडशे रुपये बोलला.
पुढचा बॉल अजिंक्य पुढचा बॉल मनोज साठी मनोजच्या बॅटेतून निघालेला अजून एक षटकार या बॉलवरती मनोजला नाही खेळता आला मनोज बीट केला आहे अजिंक्यचा एक चांगला बॉल बॉलिंगमध्ये कमबॅक करताना अजिंक्य परत एकदा अमित बाऊनकडनं एक छान कॅच घेतला गेला मनोज बोराचा 43 रन्स अमित पवार ऑरेंज कॅप यांनी खूप छान कॅच घेतलाय या कॅचसाठी शंतनू चिंचोळकरकडनं एक स्पॉन्सरशिप मिळाली अमितसाठी 1000 रुपयाचं नेक्स्ट बॉलर समाधान पाटील अमितजी पवार यांच्याच्या बेस्ट कॅचेस साठी यांना एक स्पॉन्सर्स इथे एक गिफ्ट अनाऊन्स झालंय शंतनू चिंचोळकर यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं गिफ्ट प्राइज धन्यवाद किरण सर 43 रन्स दो ओवर में 43 रन्स और देखिए जितने रन बने हैं सभी मनोज बोरा ने बनाए हैं अभी तक दूसरे किसी भी बैट्समैन ने एक भी रन नहीं बनाया है विजय रसाल स्ट्राइक पर हैं ड्राइव किया गेंद को बड़े ही सुंदर अंदाज में वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ एक रन यहां पर लिया जाएगा समाधान पाटिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए स्कोर हो गया 44 रन्स प्रतीक ठाकरे इस समय स्ट्राइक पर होंगे अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज समाधान पाटिल जी सर हाँ जी जी पाटिल की अगली गेंद और इस बार स्टीयर किया गेंद को दिशा दिखाई गली की दिशा में एक रन के लिए प्रतीक ठाकरे ने देखिए कैनन की ओर से यहां पर एक काउंटर लगाया गया है सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कैनन की ओर से नासिक के लोगों के लिए नासिक के खिलाड़ियों के लिए अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो क्लिक करें और फौरन तुरंत उसकी प्रिंट
फोटो स्टैंड भी दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट कैनन की ओर से। नासिक में ये एक अच्छा कंसेप्ट कैनन की ओर से प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं सभी को लाभ लेना चाहिए, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है इसका। अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करके तुरंत उसकी प्रिंट पा सकते हैं आप। ये सेवाएं कैनन की ओर से दी जा रही हैं। 46 रन इस समय स्कोर, इस ओवर की तीन गेंदों में अब तक तीन रन आए हैं। 31 रनों की अभी और आवश्यकता है जीत के लिए 33 बॉल्स में। समाधान पाटिल अगली गेंद के साथ ग्लांस इस बार फ्लिक करना चाहते थे गेंद को ऑन साइड में, गेंद पहुंची है लगभग स्लीप पॉइंट पर। समाधान प्रतीक ठाकरे को, प्रतीक ने बहुत अच्छा ड्राइव किया गेंद को, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंच रही हैं। और जब तक गेंद प्रफुल तुपे द्वारा फील्ड की जाती, एक रन यहां पर कंप्लीट कर लिया गया। तीस रनों की अभी और आवश्यकता है, 31 गेंदे अभी शेष है। समाधान पाटिल विजय रसाल को, खेला गेंद को, लॉन्ग ऑन पर जा रही है गेंद, फिर एक बार गेंद पर आते हुए प्रफुल, ओवर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तीन ओवर का खेल पूरा हो गया, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन्स। एक समय हालात ये थे कि दो ओवर में 43 रन बन गए थे जब तक मनोज बोरा विकेट पर खड़े थे। तीसरे ओवर में मात्र 5 रन आए हैं। 5 ओवर की 30 गेंदों से जीतने के लिए फायरबोल्ट को 29 रनों की आवश्यकता है। खेल को जारी रखना होगा। आइए चलते हैं किरण सर के पास। थैंक यू मुन्ना भाई। जैसे आपने बोला प्रेक्षकों के लिए यहाँ पे एक सेल्फी लीजिए और प्रिंट फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, उसके साथ में फ़ोटो लगाने के लिए एक स्टैंड भी फ्री दिया जाएगा। वैसे ही हमारे पास प्रेक्षकों के लिए लकी ड्रॉ भी रखा है, जिसमें वो उनका नाम और मोबाइल नंबर डाल के एक पर्ची उनको यहाँ डालनी है, जिसमें हर एक मैच के बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। थैंक यू सर। अगली गेंद विजय नहीं चले, विशाल जोशी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, खुद कप्तान जोशी की गेंद प्रतीक को, प्रतीक बैकफुट पर गए, धकेला गेंद को मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से, एक रन आसानी के साथ कंप्लीट किया गया। 50 रन इस प्रकार से बने हैं। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले भी आना अभी बाकी है। 3.2 ओवर्स 50 रन। इस बार विजय ने खेल दिया है गेंद को, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से, बहुत अच्छी फील्डिंग अमित पवार की। बावन रन बन गए हैं अब। सत्ताईस गेंदे आनी बाकी हैं। अपील, हल्की फुल्की अपील, अब 26 गेंदे बाकी हैं और 25 रनों की जरूरत है जीत के लिए। सर ये मेरे पास, मेरे हाथ में माइक है ना। हाँ
हाँ तो आप निकालिए, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ